कौशल चंद साहब जा रहे हैं तो हम सब यहाँ उनको अलविदा करने के लिए तशरीफ लाए हैं। तो आप जहाँ भी रहें इस अंदाज में रहें कि जब आप वहाँ से जाएं तो लोग आपको याद करें अच्छे अल्फाज में और आपके लिए दुआएं दें। सबसे पहले तो जी पाकिस्तान सोशल सेंटर चौधरी साहब और राजा साहब इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह 2 साल पहले भी मेरा यहाँ पे इस्तकबाल किया गया था उससे भी खूबसूरत तरीके से आज यहाँ से ये एक अलविदाई तकरीब में मुझे मदु किया गया। पाकिस्तान कम्युनिटी ने जो दुबई के अंदर बल्कि पूरे यूएई में मौजूद है उन्होंने हमेशा बहुत ही मोहब्बत से बहुत ही प्यार से बहुत ही मुझे सपोर्ट की हेल्प की मेरे 2 सालों के अंदर। और मैंने जो कुछ भी इस मिशन के अंदर इस काउंसिलेट में रहते हुए हासिल किया वो इस कम्युनिटी की हेल्प के बगैर मुमकिन नहीं था। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यूएई का मीडिया जी यूएई में जो पाकिस्तानी मीडिया है जी माशाल्लाह बहुत ही वाइब्रेंट स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह आप लोगों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 100 जर्नलिस्ट को क्रॉस कर जाती है। और आप लोगों को मैंने हर इवेंट पे देखा है आपने पाकिस्तान कम्युनिटी के तमाम फंक्शंस चाहे वो नेशनल लेवल के हों चाहे वो पार्टी लेवल के हों चाहे वो इंडिविजुअल लेवल के हों आप सब लोग उसको कवर करते हैं बहुत बाखूबी कवर करते हैं। और सबसे बढ़कर जो आपका एक रिश्ता है राबता है काउंसलेट के साथ वो बहुत ही पॉजिटिव है। हमेशा आपने पाकिस्तान की पॉजिटिव चीज़ों को यूएई में फ़रोग दिया है उसको दुनिया तक पाकिस्तान कम्युनिटी तक और लोकल कम्युनिटी तक अमरातियों तक पाकिस्तान की पॉजिटिव चीज़ों का पहुंचाया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सीजी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी दावत पे यहाँ आए और इस शारजा सेंटर को रौनक बख्शी। दूसरी बात यह है कि आज 2 साल इन्होंने इधर किया है मतलब ड्यूटी की है समझो और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सलेट में काम किया कम्युनिटी की बड़ी खिदमत की है। कॉन्सलेट में अभी मैं जाता हूँ परसों ही गया हुआ था तो मैंने जाकर देखा कि वो जो जगह बनी हुई है लेडीज की अंदर बैठने की वो बहुत अच्छी बनी है। अभी कोई उधर गर्मी नहीं थी इस जगह बंद की एसी लगे हुए हैं और अंदर पासपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छा इन्होंने सिस्टम कर दिया है। और मेरी दुआ है कि ये जहाँ भी जाए खुश रहें और जिधर जाए पाकिस्तान कम्युनिटी की खिदमत इसी तरह करते रहें और ये हमारे दिलों में दिलों से कभी भी नहीं उतरेंगे हम हर टाइम ये हमारे दिलों में रहेंगे और अल्लाह ताला इनको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि हमारे जो सी जी साहब यहाँ से जा रहे हैं बहुत सारे लोगों की दुआएं इनके साथ हैं और जो उनके यहाँ पे पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए खिदमत है वो मैं समझता हूँ कि नाकाबिले फरमोश है। लोग उसे भूल नहीं सकेंगे 2-3 आने वाले सालों में तो कम अज़ कम। मगर मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी अफसरान यहाँ से जा रहे हैं और जो नए अफसरान आ रहे हैं अगर वो उसी तरह अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत करते रहे तो हमारे पाकिस्तानियों के मिसाइल इंशाल्लाह ताला कम अज़ कम ख़त्म तो मैं नहीं कहता मगर बहुत कम हो जाएंगी। तो सी जी साहब के लिए मेरी एक दफ़ा दोबारा
हमारे दिल की गहराइयों से हम सी जी साहब के लिए दुआगो हों कि ये जहाँ रहें खुश रहें और इसी तरह पाकिस्तान के झंडे को हमेशा ऊंचा रखें।